दोस्तों नमस्कार। देखिए ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ना इधर, ये गंगा नदी यहाँ बहा करता था एक जमाने से, और इसकी गहराई मैं समझता हूँ बहुत होगी तो 20-25 फीट से ज़्यादा गहराई नहीं है। नदी को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये पहले देखिए वहाँ पे वो बांस घाट हुआ करता था, वही है बांस घाट, और ये पूरा गंगा नदी जो आप देखते थे लबालब पानी से भरा रहता था। 1975 में पटना में बाढ़ भी आया था तो ये नदी से पूरा पानी उस तरफ चला गया था, इतना पानी का फ्लो था। और इस नदी के बीचों बीच ये मरीन ड्राइव बनाया गया है, गंगा मरीन ड्राइव। और गंगा नदी अभी बहुत दूर चली गई, उधर बहुत साइड कर दिया गया है, पानी एकदम ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन ये गंगा मरीन ड्राइव का एक लाभ भी है कि पटना का जो ट्रैफिक है, अभी सही पूछिए तो मुझे अगर जाना पड़ता गांधी मैदान से दीघा तो कम से कम ट्रैफिक में 1 से 1.5 घंटा हमको स्ट्रगल करना पड़ता। लेकिन इस मरीन ड्राइव के चलते वहाँ से मैं इन अभी किया हूँ, और मुश्किल से इसका स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर है। तो अगर 80 किलोमीटर के स्पीड में मैं अपनी गाड़ी को चला के जाता हूँ तो 6 से 7 मिनट में मैं दीघा पहुँच जाऊँगा। तो इतना बड़ा बेनिफिट तो हुआ है, लेकिन इस गंगा नदी का नज़ारा को देख के कितना अफसोस होता है कि देखिए ये नदी एकदम सूखा पड़ा है, जो पहले ये पानी से लबालब हुआ करता था। अभी मैं डेली मेरा आना जाना लगा हुआ है, बेटी का ट्रेनिंग चल रहा है, CA का ट्रेनिंग होता है, उसी को सुबह ड्रॉप करता हूँ और फिर वापस आता हूँ, और फिर अभी जा रहा हूँ उसे पिकअप करने। ये रूटीन है, 5 तारीख तक ये रूटीन चलेगा, यानी मंडे तक। चलिए कल सुबह 7 बजे मिलते हैं लाइव में। ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।